हाय एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। चलिए नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं अपना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का। काफी ज्यादा इजी चैप्टर है, इनफैक्ट ये तो सबसे इजी चैप्टर होता है। मुझे तो क्लबिंग से भी ज्यादा आसान ये चैप्टर लगता है, और आपको भी मुझे लगता है ये आसान ही लगता होगा। बट हाँ, इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एग्जाम में आप इसके ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं। अक्सर ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं कि कौन से लॉसेस को हम किस इनकम से अपनी सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं सेट ऑफ कर सकते, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, हमें यह देखना होता है इस चैप्टर में। सेक्शंस के नंबर इस चैप्टर में बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, कुछ सेक्शंस के नंबर में पीजीबीपी में कैपिटल गेन में तो बोलता हूँ कि कुछ सेक्शंस के नंबर हमें पता होने चाहिए, बट सेट ऑफ में तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। आपको सिर्फ प्रोविजन पता होना चाहिए, सेक्शन के नंबर नहीं याद है तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस का मतलब क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड इन सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, आई बिलीव ये बात आप जानते होंगे, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूं जल्दी से। सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, अगर सिर्फ बोलते हैं सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, इसका मतलब होता है जो हमारे सेम ईयर में लॉसेस आ रहे हैं, हम उसको सेम ईयर में ही सेट ऑफ करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ। यानी कि अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर 23-24 में कोई लॉस आ गया, तो हम उसको इसी ईयर की दूसरी इनकम से सेट ऑफ जब करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ का मतलब क्या हुआ, अगर हम इस ईयर के लॉसेस को इस साल सेट ऑफ नहीं कर पाए, किसी भी रीजन से प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं थे या कोई और रिस्ट्रिक्शन थी, हम इसको सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो फिर हम इसको नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स में ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। तो वहां पर भी हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है, हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये सब बातें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले होता है सेक्शन 70। सेक्शन का नंबर जैसे मैंने कहा बिल्कुल भी जरूरत नहीं याद करने की। ये होता है इंट्रा हेड सेट ऑफ। इंट्रा हेड सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर हमारे एक ही हेड में, फॉर एग्जांपल हमारे दो तीन सोर्सेस हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी है, हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी थ्री, और हो सकता है प्रॉपर्टी वन में अगर लॉस आ रहा हो, तो क्या वो प्रॉपर्टी टू से या प्रॉपर्टी थ्री से सेट ऑफ हो सकता है या नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड, यानी कि सेम हेड से। सिमिलरली अगर किसी के बिजनेसेस हैं, किसी के दो या तीन बिजनेस हैं, हो सकता है किसी एक बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा हो, दूसरे बिजनेस से लॉसेस आ रहे हो, तो क्या वो आपस में जो पीजीबीपी की जो इनकम आ रही है, क्या सेम हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड सेट ऑफ। और इसका एक अपोजिट क्या होगा, इंटर हेड। इंटर हेड होता है कि एक हेड से जो लॉसेज आ रहे हैं, क्या आप उसको दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का कैपिटल गेन में लॉसेज है, तो क्या वो दूसरे हेड से पीजीबीपी से सेट ऑफ हो सकता है, नहीं हो सकता, दैट विल बी इंटर हेड सेट ऑफ। तो पहले इंट्रा हेड की बातें कर लेते हैं, उसके बाद फिर इंटर हेड की भी बातें कर लेंगे। क्लियर है, इंट्रा हेड मतलब सेम हेड से सेट ऑफ करना। तो एक एक हेड करके देखते हैं कि किस किस हेड के लॉसेस को हम सेम हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हेड तो सैलरी आता है, और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि सैलरी में तो लॉसेस होते नहीं है, तो सैलरी में तो लॉसेस होते नहीं है, तो इसके तो सेट ऑफ की कोई बात आएगी ही नहीं। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेस होते हैं, आपको पता है, और हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस अगर किसी एक आपके पास अगर फॉर एग्जांपल मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज हैं, तो एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, तो ये अलाउड है। हाउस प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। कोई लिमिट है क्या? इंट्रा हेड की कोई लिमिट नहीं है, बट हाँ इंटर हेड की लिमिट है, जो हमें अभी थोड़ी देर बाद बातें करनी है। ओके, तो हाउस प्रॉपर्टी समझ में आ गया, एक हाउस से लॉसेस है, दूसरे हाउस से प्रॉफिट है, आप इस लॉस को दूसरे हाउस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, जितना भी अमाउंट लॉसेस है, अगर आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट है, आप पूरा कर सकते हैं इसको, राइट? तो लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं। पीजीबीपी के लॉसेस के आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं, द आंसर इज जनरली यस, बट हाँ कभी कभी आंसर नो भी आएगा। ये कब आएगा? फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं कि एक तो नॉर्मल बिजनेस होता है, जिसको हम कहते हैं नॉन स्पेक्यूलेटिव, मतलब नॉर्मल बिजनेस, किसी का कंप्यूटर्स का बिजनेस है, क्लोथ्स का बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस होते हैं। बट हम जानते हैं एक तरह के बिजनेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्यूलेटिव बिजनेसेस। तो अगर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में लॉसेज आ जाए, वो उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो दूसरे स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकते हैं। यानी कि अगर हम नॉर्मल बिजनेस की इनकम से उसको सेट ऑफ करना चाहेंगे तो नहीं हो सकता। तो जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेज होते हैं, तो क्या वो किसी भी पीजीबीपी से हो सकते हैं? नहीं, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सारे वो पीजीबीपी से हो सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्पेक्युलेटिव बिजनेस से हो सकते हैं। यानी कि अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस नंबर वन है, SB1 में बोल देता हूं उसको, SB1 में लॉसेज आ जाते हैं, इसमें लॉसेज हैं, और हमारे SB2 में ये भी स्पेक्युलेटिव बिजनेस है,
यहां पर प्रॉफिट है तो ये इससे तो सेटअप हो जाएगा, ये लॉस इससे सेटअप हो जाएगा क्योंकि स्पेकुलेटिव स्पेकुलेटिव से हो रहा है। अब मान लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एस बी टू नहीं होता, हमारे पास एक नॉर्मल बिजनेस होता, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस, क्लोथ का, कंप्यूटर्स का, इस तरह के बिजनेस होते, तो मैं इस लॉसेस को दूसरे नॉर्मल बिजनेस के लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकता, यानी कि यहां पर पीजीबी में रिस्ट्रिक्शन है। देखिए दोनों ही पीजीबीपी हैं बट यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, तो प्लीज याद रखिएगा स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉसेस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकते हैं, दूसरे जो स्पेकुलेटिव है अगर तो आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरे नॉर्मल बिजनेस से या नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से हम कह सकते हैं इसको उससे सेट ऑफ नहीं करेंगे। क्लियर है? स्पेसिफाइड बिजनेस, जो स्पेसिफाइड बिजनेस हम लोग पढ़ते हैं पीजीबीपी में सेक्शन 35AD, आपको याद आ गया होगा 14 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, वो हमारा कोल्ड चेन फैसिलिटी का बिजनेस, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन वाला बिजनेस, जहां पर टू स्टार और अबव कैटेगरी वाला बिजनेस, 100 बेड्स वाला हॉस्पिटल वाले बिजनेसेस, ऐसी बातें मैं कर रहा हूँ। तो वहां पर हम लोग सेक्शन 35AD में वो 14 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफाइड बिजनेस। तो अगर स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस आ जाए, ये बात आपको पीजीबीपी में भी मैंने कराई थी, आपको याद आ गई होंगी, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस हो तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से सेट ऑफ हो सकते हैं, किसी दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे कोई 5-star होटल है, स्पेसिफाइड बिजनेस है, उसमें लॉस आ जाएगा, 5-star होटल में लॉस आ जाएगा, और मान लेते हैं कि हमारे पास एक वो 100, 200, 300 बेड का एक हॉस्पिटल भी है, यानी कि वो स्पेसिफाइड बिजनेस है हॉस्पिटल का, तो अगर होटल के बिजनेस में लॉस आ जाएगा तो वो दूसरे विद इन 14 बिजनेसेस से वो आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं, सिर्फ उसी बिजनेस से हो सकते हैं, किसी और बिजनेस से नहीं हो सकते, राइट? तो स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस स्पेसिफाइड बिजनेस से हो पाएंगे। दूसरी बात आपको याद रखनी है, ये सिर्फ फैसिलिटी अवेलेबल होती है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अवेलेबल? क्योंकि 35AD जैसी बातें हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में करते ही नहीं, वो एग्जम्पशन हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती। तो ये सिर्फ फैसिलिटी अवेलेबल होगी ओनली इन केस ऑफ ऑप्शनल टैक्स रिजीम स्पेसिफाइड बिजनेस वाली, ठीक है? नॉर्मल बिजनेस यानी कि कोई ऐसा बिजनेस है जो नॉन स्पेकुलेटिव है, ना तो वो स्पेकुलेटिव है ना स्पेसिफाइड है, जैसे नॉर्मल बिजनेस, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल्स दिए, कंप्यूटर्स का बिजनेस, क्लोथ का बिजनेस, इस तरह के बिजनेस, अगर इस तरह के बिजनेस में लॉस हो जाए तो वो किसी भी दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ हो सकते हैं। अभी हम सिर्फ इंटरहेड की बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर में मैं इंटरहेड की भी बातें करूंगा, बट हाँ अगर इस तरह का पीजीबीपी से लॉसेस आ जाए, आपका नॉर्मल बिजनेस है, नॉन स्पेकुलेटिव है, तो ये बिजनेस के लॉसेस, इस तरह के बिजनेस के लॉसेस किसी भी दूसरी इनकम से सेट ऑफ हो सकते हैं पीजीबीपी की। अब जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल बिजनेस ही होना चाहिए, अगर नॉर्मल बिजनेस में लॉस है तो वो चाहे तो स्पेकुलेटिव से भी हो सकता है, स्पेसिफाइड से भी हो सकता है, बट वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं था, राइट? अगर स्पेकुलेटिव में लॉस है या स्पेसिफाइड में लॉस है तो ये यहां पर नहीं जा सकते थे, बट वो लोग यहां पर आ सकते हैं, वो लोग इनकी मदद तो ले सकते हैं बट इनको मदद दे नहीं पाएंगे, करेक्ट? समझ में आ गया? तो नॉर्मल बिजनेस वाले तो आपस में भी सेट ऑफ हो सकते हैं, इन लोगों की भी मदद लेने आ सकते हैं, बट स्पेकुलेटिव बिजनेस वाले सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही मदद लेंगे, ठीक है? और स्पेसिफाइड बिजनेस वाले सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही हेल्प ले सकते हैं। क्लियर हो गया? नॉर्मल बिजनेस के लॉसेस किसी भी बिजनेस सेट ऑफ हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा भी है नोट आपको बनाकर, ओके? कैपिटल गेन्स में, कैपिटल गेन्स दो तरह के होते हैं, आप लोग जानते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हमने अच्छे से रिविजन किया था इसका। अगर कैपिटल गेन्स में लॉसेज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल लॉसेज हो जाए, तो डिपेंड करता है वो शॉर्ट टर्म के लॉसेज हैं या लॉन्ग टर्म के लॉसेज हैं। अगर वो लॉन्ग टर्म के लॉसेज हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेज हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो सकते हैं। मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि शॉर्ट टर्म छोटा भाई है और लॉन्ग टर्म बड़ा भाई है। तो छोटे भाई, तो मुझे बताइए, छोटे भाई को अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बड़े भाई से मदद ले सकता है, पर बड़ा भाई छोटे भाई के पास जाता हुआ ठीक नहीं लगता है। इसी तरीके से आप भी याद कर सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म लॉसेस हैं, जो शॉर्ट टर्म लॉसेस हैं, वो शॉर्ट टर्म से भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म की भी मदद ले सकते हैं। छोटे वाले बड़े भाई की मदद ले सकते हैं, बट ये बड़ा वाला जो बिग ब्रदर है, लॉन्ग टर्म लॉसेस, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से ही सेट ऑफ होंगे, ये शॉर्ट टर्म के पास भी मदद मांगने नहीं जाते हैं। क्लियर हो गया? और एक होता है आपका लॉसेज ऑफ एक्टिविटी एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, जो रेस हॉर्स एस्टेब्लिशमेंट का जिस तरह का बिजनेस होता है, जिसको हम जानते हैं IFO, इसमें इनकम इसकी टैक्सेबल होती है। अगर इस तरह के बिजनेस में लॉसेज आ जाएं, ठीक है, ये कैजुअल इनकम नहीं है, ये तो इनकी रेस हॉर्स एस्टेब्लिशमेंट होती है, तो इसका इन द नेचर ऑफ बिजनेस होता है, राइट?
तो इस तरह के बिजनेस में अगर लॉसेस आ जाए तो वो इसी तरह के बिजनेस से सेटअप हो सकते हैं, यानी कि ये जो रेस हॉर्सेस वाले बिजनेस हैं ये रेस हॉर्सेस की ही इनकम से सेट ऑफ हो सकते हैं, करेक्ट। तो ये बातें थी इंट्रा हेड सेट ऑफ की। अब हम बातें करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 71, बट नो नीड टू रिमेंबर द नंबर, बट हाँ प्रोविजंस पता होने चाहिए। इंटर हेड सेट ऑफ, इंटर हेड सेट ऑफ में क्या बातें करेंगे हम, क्या अगर किसी एक पर्टिकुलर हेड में लॉसेज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेज हो, तो क्या वो दूसरे हेड से पीजीबीपी से कैपिटल गेन से आईएफएस वगैरह के पास जा सकते हैं नहीं जा सकते, उसकी बातें करेंगे। तो इंटर हेड सेट ऑफ कर सकते हैं क्या, आंसर इज येस। अब डिपेंड करता है वो किस हेड के लॉसेस हैं। फर्स्ट सैलरी, ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैलरी में तो लॉसेस होते नहीं है। अगर हाउस प्रॉपर्टी में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी अमेंडमेंट भी है। हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉसेज हो जाए, हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉसेज हो जाए तो क्या वो दूसरे हेड से के पास सैलरी पीजीबीपी कैपिटल गेन आईएफएस के पास जा सकते हैं नहीं जा सकते, डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस प्रॉपर्टी पे मुझे लगता है कि आपको 2024 एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेज हैं तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, कि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम यानी कि न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं या फिर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं। देखिए अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस के बारे में बातें कर रहा हूं मैं, इन केस अगर आप, हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, न्यू टैक्स रिजीम में मना कर दिया है कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस दूसरे हेड से मदद नहीं ले पाएंगे, यानी कि उनका इंटर हेड सेट ऑफ को हो गया है रिस्ट्रिक्शन, वो तो मना हो गए हैं। यानी कि अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेस हैं और आपका असेसी न्यू टैक्स रिजीम, जिसको हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बोलते हैं, अब अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप दूसरे हेड में नहीं जा सकते। तो अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम इंटर हेड सेट ऑफ इज नॉट अलाउड फॉर हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी का से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, अभी मैं पीजीपी वगैरह की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं हाउस प्रॉपर्टी की बातें कर रहा हूँ। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेज हों और आप न्यू, आपका असेसी न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो, यानी कि आपके क्वेश्चन में न्यू टैक्स रिजीम एप्लीकेबल हो रही है, आप उसकी तरह से अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो दूसरे हेड में मत जाइएगा, प्लीज इसको बात ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू की तरह भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। दूसरी, अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो फिर इंटर हेड अलाउड है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस दूसरे हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं, राइट। दूसरे हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं, सैलरी से सेट ऑफ करना चाहें आप सैलरी से करिए, पीजीबीपी से, कैपिटल गेन से, आईएफएस से भी कर सकते हैं। हाँ, आपको पता है कैजुअल इनकम से तो कुछ सेट ऑफ हो ही नहीं सकता, ठीक है, कैजुअल इनकम से तो कुछ सेट ऑफ हो ही नहीं सकता। अदर देन कैजुअल इनकम आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, अगर आपका असेसी ऑप्शनल टैक्स स्कीम यानी कि पुरानी वाली ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट है सेट ऑफ की वो है 2 लाख, यानी कि अगर आपका असेसी ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है और हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेस हो जाएं और अगर वो 2 लाख से ज़्यादा है तो आप सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम सिर्फ 2 लाख ही सेट ऑफ करा सकते हैं दूसरे हेड से। इंट्रा हेड में कोई लिमिट नहीं थी, यानी कि इंट्रा हेड में अगर हाउस प्रॉपर्टी वन में फॉर एग्जाम्पल 2,10,000 के भी लॉसेज हो और हाउस प्रॉपर्टी नंबर 2 में 3 लाख के प्रॉफिट्स हो तो इंटर हेड में तो कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, ना न्यू स्कीम में ना ओल्ड स्कीम में। मैं इस समय मैं इंटर हेड की बातें कर रहा हूँ, ये तो इंटर हेड था, तो इंटर हेड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना तो किसी लिमिट की, कोई अमाउंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है और आपस में सेटअप हो सकते हैं बोथ द रिजीम्स। बट अगर इंटर हेड करना हो, दूसरे हेड से मदद लेनी हो, न्यू टैक्स रिजीम ने तो साफ मना कर दिया कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो सकते, पुरानी वाली टैक्स रिजीम ने कहा है हो सकते हैं बट मैक्सिमम 2 लाख के। क्लियर हो गया, ये बात याद रहेगी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। ओके, लॉसेस फ्रॉम पीजीबीपी, क्या पीजीबीपी के लॉसेस किसी और के पास मदद ले सकते हैं दूसरे हेड से? अब देखो, पहले मैं स्पेकुलेटिव की बातें कर लेता हूं। देखो, स्पेकुलेटिव को तो अपने ही हेड में रिस्ट्रिक्शन थी, यानी कि वो तो स्पेकुलेटिव वाला बिजनेस तो स्पेकुलेटिव से मदद ले सकता है, तो ये दूसरे हेड में तो वैसे भी नहीं जा सकते, तो स्पेकुलेटिव वाले को तो मना कर दिया जी आप तो दूसरे हेड में नहीं जा सकते, आपको तो अपने खुद के हेड में रिस्ट्रिक्शंस हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस वालों को भी मना कर देंगे, क्यों? इनको तो खुद अपने ही हेड में रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये तो इनकी तो बस 14 की एक अलग 14 बिजनेस की अलग फैमिली है, ये आपस में ही मदद ले सकते हैं, दूसरे हेड में तो जा ही नहीं सकते। बट क्या पीजीबीपी के लॉस, जो नॉर्मल पीजीबीपी होता है, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में नहीं आता, स्पेकुलेटिव भी नहीं आता, यानी कि नॉन स्पेकुलेटिव बोल सकते हैं, नॉर्मल बिजनेस बोल सकते हैं, क्या ये दूसरे हेड की मदद ले सकते हैं? आंसर इज येस, अदर देन सैलरी एंड ऑफकोर्स कैजुअल इनकम तो बाय डिफॉल्ट है, कैजुअल इनकम से तो आप कुछ सेट ऑफ कर ही नहीं सकते, और ये अदर देन सैलरी भी हम लोग अगर
हमारे लॉसेस आ जाए तो हम हाउस प्रॉपर्टी के पास जा सकते हैं, कैपिटल गेन के पास जा सकते हैं, अदर आईएफओएस के पास जा सकते हैं, कैजुअल इनकम के पास नहीं जाएंगे, सैलरी के पास नहीं जाएंगे। तो प्लीज याद रखिएगा पीजीबीपी सैलरी से, और कैजुअल इनकम तो बाय डिफॉल्ट है ही चलेगा सबके साथ, बट ये सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकते। ओके, कैपिटल लॉसेस, अगर कैपिटल गेन में नेगेटिव इनकम हो जाए तो क्या जा सकते हैं? अब देखिए कैपिटल में इसको, जैसे मैंने अभी बिग ब्रदर और स्मॉल ब्रदर बताया था, यंगर ब्रदर बताया था, इसी तरह हम ऐसे याद कीजिए कि कैपिटल गेन में ना बड़ी ईगो है, ठीक है, बहुत ईगोइस्टिक है ये कैपिटल गेन, ये दूसरों की मदद नहीं लेता। मदद दे तो सकता है, दूसरे लोग इससे सेट ऑफ कराने आ जाएंगे उनकी मदद करता है, बट खुद मदद लेने नहीं जाता, बहुत ईगो है इसमें। और बड़े भाई में तो कुछ ज्यादा ही ईगो है, वो तो छोटे भाई के पास भी नहीं जाता। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के पास जा सकता है, शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है, राइट। बट इसको भी ईगो तो इसमें भी आई है ना, ठीक है, तो ये दूसरे हेड के पास नहीं जा सकते। तो कैपिटल गेन में अगर नेगेटिव आ जाए, यानी कि कैपिटल लॉसेस हो जाए, तो वो पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी वगैरह के पास बिल्कुल भी नहीं जा सकते, राइट। ईगो वाले लोग हैं ये, याद रहेगा ये बातें। तो लॉन्ग टर्म लॉसेस भी कहीं नहीं जा सकता दूसरे हेड में, शॉर्ट टर्म भी कहीं नहीं जा सकता, ये आपस अपने हेड में रहते हैं, और वो भी लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म के पास जाता है बस, और शॉर्ट टर्म के पास या लॉन्ग टर्म के पास जा सकता है बस, घर से बाहर नहीं निकलेंगे ये मदद मांगने के लिए। हाँ, दूसरों की मदद करने अगर कोई मांगने आएगा उसको दे देंगे, बट ये मदद मांगने बाहर नहीं जाएंगे। ओके, और आपको पता था ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस में तो आप जानते हैं कि ये तो इसी तरह के बिजनेस से सेट ऑफ होते हैं, क्लियर है। और हाँ, ये बात याद रखिएगा, अगर किसी एग्जेम्प्ट, कोई ऐसी इनकम है जहां पर लॉसेस आ जाए बट वो एग्जेम्प्ट नेचर की इनकम है, तो प्लीज उसको सेट ऑफ मत करने लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है विद इन इंडिया राइट, क्योंकि आउटसाइड इंडिया कर रहा है तो फिर तो आईएफएस बन जाता है। अगर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहा है विद इन इंडिया, अगर उसके लॉसेज आ गए तो क्या वो सेट ऑफ करा पाएगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट होने का मतलब ये है कि उस पर टैक्स नहीं लगता। तो जब अगर हमारी पॉजिटिव इनकम आ जाए, जब असेसी उस पर टैक्स नहीं देता, तो क्या वो ये कह सकता है कि सर अगर मेरे लॉसेस आ जाएंगे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से तो क्या मैं इसको सेट ऑफ कराऊंगा? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं करा सकते आप। तो अगर हमारे किसी ऐसी जगह से लॉसेस आ जाते हैं जो एग्जेम्प्ट सोर्स की इनकम है, राइट, जो सेक्शन 10 में आती है, तो अगर सेक्शन 10 में आती है तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है। अगर वो पॉजिटिव आती है तो हम उससे टैक्स नहीं लेंगे, अगर वो नेगेटिव आती है तो भी हम उसका कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर करिए। तो कभी भी आपके अगर एग्जेम्प्ट सोर्स वाली हेड से, वहां से इनकम से कुछ ऐसे लॉसेस आ जाए, नेगेटिव हो जाए, तो उसका प्लीज कुछ मत कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, वहां पे नोट लिख दीजिएगा अपने आंसर में कि ये एग्जेम्प्ट सोर्स से लॉसेस हैं, इसको हम सेट ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। अब कैरी फॉरवर्ड की बातें करते हैं, क्या हम अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर वो सेट ऑफ नहीं हो पाते इसका? आंसर इज यस, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट प्लीज कैरी फॉरवर्ड में एक थंब रूल याद रखिएगा। थंब रूल ये है कि जब भी कैरी फॉरवर्ड होता है तो फिर वो इंटर हेड नहीं हो सकता, दूसरे हेड में नहीं जाएगा, वो फिर सेम हेड में जाएगा। मतलब अगर हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किए हैं, फिर वो हाउस प्रॉपर्टी की ही इनकम से ही सेट ऑफ होते हैं, ठीक है। पीजीबीपी के किए हैं तो फिर पीजीबीपी से, सेम ईयर में तो वो पीजीबीपी वाले देखो दूसरे की भी मदद ले रहे थे, एक्सेप्ट देन अदर देन सैलरी और कैजुअल इनकम, राइट। बट जब कैरी फॉरवर्ड हो गए, जब वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में जाएंगे, फिर वो अपने ही हेड में रहते हैं, किसी दूसरे हेड में नहीं जा सकते। तो सैलरी में तो नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है, मतलब लॉसेस नहीं आएंगे। हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कि हाँ हो सकता है, अगले 8 साल तक आप मैक्सिमम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ करने की कोशिश कीजिए, नेक्स्ट ईयर नहीं हो पाएगा उसके नेक्स्ट ईयर कीजिए, तो इतना मैक्सिमम कितना आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? अप टू 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और हाउस प्रॉपर्टी में एक और बात है कि अगर आपने इस साल की जो रिटर्न है अगर आपने लेट भी फाइल की है तो भी हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पीजीबीपी में, कैपिटल गेन में वगैरह में आप देखेंगे कि हम कैरी फॉरवर्ड तभी कर सकते हैं, अगर हमने रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल की हो, राइट। बट हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस हो जाए या फिर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के साथ वो दो छोटे छोटे भाई और हैं उसके, अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, राइट, याद आता है वो बातें। तो हाउस प्रॉपर्टी, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन प्लस उसके दो छोटे भाई, इनकी रिटर्न अगर लेट भी फाइल हुई है तो भी ऐसे लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस अब रिटर्न लेट फाइल हुई है, सर कुछ स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं सर अगर रिटर्न ही फाइल नहीं करी है फिर कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे क्या? फिर तो देखो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे ना, असेसिंग ऑफिसर को तो पता ही नहीं होगा ना कितने लॉसेस थे आपके, तो रिटर्न तो फाइल होनी चाहिए। बट अगर हाउस प्रॉपर्टी की रिटर्न अगर लेट भी फाइल हुई हो तो
तो भी कैरी फॉरवर्ड अलाउड होता है। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अगर लेट फाइल हुआ हो कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। सिमिलरली साइंटिफिक रिसर्च फैमिली प्लानिंग वाले भी कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। बट इसके अलावा जैसे बिजनेस में पीजीबीपी में लॉसेस आ जाएं या फिर कैपिटल गेन में लॉसेस आ जाएं तो वो आप तभी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपने रिटर्न टाइम से फाइल की हो। सेटअप हो सकते हैं बट कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं होंगे। यानी कि अगर हमने रिटर्न लेट फाइल की, पीजीबीपी में लॉसेस आ रहे थे, अगर हमने रिटर्न लेट फाइल की, अगर हम उसको सेम ईयर की इनकम से सेट ऑफ करना चाहते हैं, सेट ऑफ तो हो सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन किसकी चीज के ऊपर है? कैरी फॉरवर्ड के ऊपर, राइट? याद आ गया होगा आपको ये बातें। तो हम नॉर्मल बिजनेस के लॉसेस अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, याद रखिएगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस के 4 साल तक, स्पेसिफाइड बिजनेस के अनलिमिटेड पीरियड तक कर सकते हैं। और इसके आपको पता है ऑप्शनल स्कीम में ही कर पाएंगे क्योंकि स्पेसिफाइड बिजनेस जैसी चीजें तो न्यू रिजीम में होती नहीं है, राइट? तो स्पेसिफाइड बिजनेस अनलिमिटेड ईयर्स, स्पेकुलेटिव 4 साल तक और नॉर्मल बिजनेस 8 साल तक। और सिर्फ ये आप कैरी फॉरवर्ड तभी कर पाएंगे अगर रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल हो। अगर ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक रिटर्न फाइल नहीं हुई फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सेट ऑफ कर सकते हो बट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सिमिलरली कैपिटल लॉसेस आप अगले 8 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, रिटर्न टाइम से फाइल करना जरूरी रहेगा यहाँ पर, राइट? लॉसेस फ्रॉम ओनिंग एन एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ये भी स्पेकुलेटिव नेचर जैसे ही होते हैं तो इसका भी 4 साल ही मिले, राइट? ये भी 4 साल मिलेंगे, रिटर्न टाइम से फाइल करना जरूरी रहेगा, ठीक है? तो लॉसेस अगर कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो प्लीज उसको टाइम से अपनी रिटर्न फाइल करिएगा। सेट ऑफ अगर लेट फाइल करी, सेट ऑफ तो अलाउड होता है बट कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं होता, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की मैंने आपको बता दी है कि अगर इसकी रिटर्न लेट भी फाइल हुई हो तो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आ गया, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और कितने ईयर्स तक? अनलिमिटेड ईयर्स तक। अनलिमिटेड ईयर्स तक अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, अनलिमिटेड ईयर्स तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, करेक्ट? ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमेशा करंट ईयर की चीजें आप सेट ऑफ करेंगे, जो भी करंट ईयर के लॉसेस हैं या फिर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, सबसे पहले आप उसको सेट ऑफ कीजिए। कभी भी पुराने लॉसेस को पहले मत पिक कीजिए, हमेशा करंट ईयर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबसे पहले आपको वो क्लेम करने हैं। करंट ईयर के लॉसेस हो गए, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया, पहले वो कीजिए। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, राइट? अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पुराना वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, ब्रॉट फॉरवर्ड वाला नहीं बोल रहा हूं, करंट ईयर का। तो सबसे पहले करंट ईयर की चीजें आप माइनस करेंगे, उसके बाद फिर आप पुरानी देखेंगे क्या आप अब आप पुरानी चीजें भी सेट ऑफ कर सकते हैं। तो जो पिछले साल से उठकर लॉसेज आ रहे हैं आपके पास, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज भी पड़ा है मुझे बताइए, और ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है, तो किसको पहले प्रेफरेंस देंगे? सर लॉसेज को, बिजनेस लॉसेज वगैरह को पहले प्रेफरेंस देंगे क्योंकि उनकी लाइफ लिमिटेड है। और अनअब्सॉर्ब जो पुराने डेप्रिसिएशन पड़े हैं उसको लास्ट में रखेंगे, ठीक है? अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च, अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर फैमिली प्लानिंग, उनको लास्ट में रखिए क्योंकि उनकी लाइफ तो अनलिमिटेड है, ठीक है? तो अगर कोई स्टूडेंट मुझसे पूछेगा सर इन तीनों में से किसको पहले प्रेफरेंस देंगे, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च, अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर फैमिली प्लानिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है, लॉ ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि तीनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, अनलिमिटेड ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड दे सकते हैं, किसी को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। जनरली हम लोग अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को देते हैं प्रैक्टिकली, बट किसी को भी दे सकते हैं क्योंकि लॉ में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है? अगर कोई हम अपना लॉस बिजनेस डिसकंटिन्यू कर देते हैं, अगर कोई भी बिजनेस अपना डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो क्या हम उसके लॉसेस आगे सेट ऑफ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सेम असेस ही है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई एग्जांपल, पहले कोई मोबाइल फोन का बिजनेस था, मैंने वो मोबाइल फोन का बिजनेस बंद कर दिया, मैंने वो बिजनेस क्या हो गया, डिसकंटिन्यू। नाउ मैंने अपना दूसरा बिजनेस खोल लिया, ठीक है? फॉर एग्जांपल अब मैंने कंप्यूटर्स का बिजनेस खोल लिया, तो क्या मैं सेम असेस ही हूँ, राइट? तो सेम असेस ही अपने डिसकंटिन्यूड बिजनेस को भी सेट ऑफ कर सकते हैं, अपने दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हैं, राइट? क्या सर हम अपने लॉसेस किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं? क्या दूसरे व्यक्ति कोई दूसरा से हमारे लॉसेस सेट ऑफ कर सकता है? जनरली द आंसर इज नो, जनरली द आंसर इज नो। जिसके लॉसेस होते हैं, जिस असेसी के लॉसेस आते हैं, उसी को उसको सेट ऑफ करना है। बट हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कभी कभी कोई दूसरा असेसी भी हमारे लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। हमारे सी इंटरमीडिएट में बहुत सारी चीजें नहीं है, जनरली फाइनल में हम लोग पढ़ते हैं अमलगमेशन के केस में, डीमर्जर के केस में, हम आगे वाली कंपनी वो कर सकती है, तो वो हमें नहीं करना है। बट हाँ, एक चीज याद रखिएगा, इन केस अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी का बिजनेस उसका लीगल एयर इनहेरिट करता है, अगर उसका लीगल एयर इनहेरिट करता है और वो सेम बिजनेस कंटिन्यू करता है, फॉर एग्जांपल अगर एसएससी का शूज का बिजनेस था, राइट? और शूज के बिजनेस में उसके लॉसेस आ गए, करेक्ट? उसके शूज के बिजनेस में लॉसेस आ गए, और इन केस अगर एसएससी की डेथ हो गई और उसका जो लीगल एयर है, उसका बेटा या बेटी, वो सेम बिजनेस शूज का बिजनेस ही कंटिन्यू करते हैं, तो फिर वो लोग लॉसेस इसके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं,
करेक्ट, वो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट हाँ, अगर लीगल एयर अपना कोई दूसरा बिजनेस खोल लेते हैं फिर नहीं कर सकते, यानी कि सेम बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए बाय लीगल एयर। करेक्ट, इसको कहते हैं सक्सेशन बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, तब आप कर सकते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म्स के लॉसेस आ जाए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीएंट बट स्टिल इस छोटा सा टॉप पॉइंट है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म्स के लॉसेज आ जाएं तो ठीक है, उनके पीजीपीपी के लॉसेज हैं तो वो अपने पीजीपीपी के लॉसेज अगले 8 साल तक, स्पेकुलेटिव है तो 4 साल तक, स्पेसिफाइड है तो अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। बट होता क्या है कि कभी कभी फॉर एग्जाम्पल तीन पार्टनर्स थे, तीन इक्वल पार्टनर्स थे, वन थर्ड, राइट। और उस अब इस ईयर में जब वो तीन पार्टनर्स थे, उस ईयर में कुछ लॉसेस थे, लेट्स से 3 लाख के लॉसेस थे, 3 लाख के लॉसेस थे, इसका मतलब अगर तीनों का अगर मैं शेयर देखता हूँ तो वन थर्ड, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख के लॉसेस थे। वैसे तो मुझे पूरी पार्टनरशिप फर्म का देखना चाहिए, बट फिर भी मैं अगर हर शेयर के हिसाब से देखता हूँ तो वन थर्ड। मान लेते हैं कि उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया और वो चला गया, वो रिटायर हो गया, उसकी डेथ हो गई किसी भी रीजन से, वो चला गया, ठीक है। अब वो पार्टनर नहीं आगे आ रहा है तो उसका जो शेयर है लॉसेस का वो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, राइट। तो इसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल पहले पार्टनरशिप फर्म में 3 लाख के लॉसेस थे और तीन पार्टनर्स थे, जिसमें से अब एक पार्टनर रिटायर हो गया है या फिर उसकी डेथ हो गई है, उस केसेस में हम जो उसका शेयर होता है वो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो उसका शेयर तो 3 लाख में से 1/3 किया हमने तो 1 लाख आया, 1 लाख कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, बाकी के 2 लाख आप कर सकते हैं। करेक्ट सर, कोई नया पार्टनर आ गया कोई बात नहीं, वो तो पार्टनर रिटायर हो गया ना, तो उसके लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसकी भी एक एक्सेप्शन हो जाती है, आई बिलीव ये आप समझ सकते हैं, लॉजिक लगाइए अपना, कि इनकेस अगर उसका पार्टनर का लीगल एयर आ जाता है, जिस पार्टनर की फॉर एग्जांपल डेथ हुई है, अगर नया पार्टनर एडमिट होता है, वो नया पार्टनर कौन है, वो उसका लीगल एयर है, तब आप उसके लॉसेस भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बातें थी, हमारे छोटा सा चैप्टर था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि आप इसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस और अपने स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस और उसके पीछे के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जरूर ट्राई करें, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, डिडक्शंस चैप्टर हम करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।